अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। को लेकर अभी आप एसपी कार्यालय चंद्रशेखर मेन की मल्टी से ऑरेंज मल्टी से आया हूँ। वहाँ पर एक ब्लॉक में सावित्री बाई और उसका लड़का अर्जुन जो अवैध रूप से वहाँ पर ताला तोड़ कर रह रहे हैं और आए दिन वहाँ पर रहने वाले रहवासियों से मतलब गाली गलौज करना, मारापीटी करना, वहाँ की छोटी छोटी बच्चियों को परेशान करना, आए दिन छेड़छाड़ी करना और उनको रोके जाने पर उन लोगों से विवाद करना, एसटीओबीसी की धाराओं में उनको फंसाने का झूठा इल्जाम लगाना, इस तरह से परेशान करा करते हैं। उसकी वजह से जितने भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं सभी परेशान हैं, ब्लॉक में सभी लोग परेशान हैं उनसे। तो आपने पुलिस को सूचना नहीं करी इस मामले में? इसकी दर्जनों शिकायतें पहले थाने पे जा चुकी है, इनको थाने पे भी कंप्लेंट कर चुके हैं नगर निगम उससे संबंधित ब्लॉक में। तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करती है? पुलिस ने कार्रवाई करी है, उन्होंने उनके को लेकर आप अभी एसपी कार्यालय पहुँचे और कहाँ से आए हैं आप? कौन लोग हैं ये? सावित्री बाई और अर्जुन। कहाँ रहते हैं ये लोग? मल्टी में ही रहते हैं, हमारे घर के सामने। तो क्या करते हैं ये लोग? दारू पीते हैं, झगड़ते हैं, ईंट फेंक फेंक के तलवार चक्कू ये सब निकाल लेते हैं मारने के लिए। कितने रहवासी परेशान हैं उनसे? सारी पूरी मल्टी परेशान है उन लोगों से। किराए से रहते हैं कि उनका खुद का मकान? अवैध मकान है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि वो खाली करवाया जाए। ठीक है, आपका नाम? पूनम। समस्या को लेकर अभी आप देवास एसपी कार्यालय पहुँचे? मल्टी से आया हूँ, मतलब वहाँ पे अवैध कब्जा कर रखा है वहाँ पे। कौन लोग हैं? अर्जुन भाई। हाँ, है ना, ये दुर्गापुरा के रहने वाले हैं। हाँ ठीक है, वहाँ पे आए थे, ये दारू से क्या मारा कुटी करते हैं, महिलाओं को गालियाँ बका करते हैं, कुछ ना कुछ बोला करते हैं, गंदे गंदे इशारा करते हैं, छोटी छोटी बच्ची है उनको भी गंदे गंदे कुछ शब्द बोलते हैं, आए दिन झगड़ा करते हैं, अवैध कब्जा कर रखा है। मैं ये चाहता हूँ, सभी जो मैंने आवेदन दिया है, मेरी यही मांग है कि वहाँ से उनका मकान खाली कराया जाए। कितने समय से रह रहे हैं ये? कम से कम 7 वर्ष से रह रहे हैं। तो आपने पुलिस में इसकी शिकायत नहीं करी? सभी तो मैंने शिकायत की है, कलेक्टर साहब को भी दिया ज्ञापन। पूर्व में आपने कभी पुलिस को सूचना करी है? लेकिन उसकी दर्जनों शिकायतें, कम से कम 5 बार उस पर दर्जनों शिकायतें हैं, उसको कितनी बार पकड़ चुका। ठीक है, क्या नाम है आपका? बालकृष्ण। इस विषय को लेकर अभी आप देवास एसपी कार्यालय पहुँचे, आपने एसपी साहब से मुलाकात भी की, ज्ञापन भी सौंपा? सर, मेरे भाई को 24 तारीख को इलाज मिली थी, जबकि वो 15 तारीख के पहले से मतलब वो इरफान जाके यहीं पे काम करता था, देवास हॉस्पिटल में जहाँ पर लड़का हुआ था, तो मतलब वहीं पे हॉस्पिटल में ही मतलब वो काम कर रहा था, वहीं पे रहता था, वहीं पे सोता था। 11 तारीख रोज़ मेरे घर का आया था, कपड़े पहन के गया था, नहाया था, कपड़े पहने थे और 2 रोटी खा के गया था, और बस इतना थोड़ी देर रुका था और फिर वापस चले गया था। और तब से ही मतलब मेरा भाई लापता है, देवास हॉस्पिटल में जाकर के मेरे पास वीडियो रखे हुए, वो बस वहीं से लापता था 16 तारीख की 12:30 बजे से। उसके बाद में मतलब मेरा भाई मुझे मिला नहीं। 17 तारीख के रोज़ मेरे पास इरफान भाई का फोन आता है, बोले कहाँ पे हो आप? बोले वो जे आया क्या घर पे कार ले करके? तो मैंने बोला भैया वो तो आपके साथ ही काम करता था, आपके साथ ही था। तो बस वहाँ हॉस्पिटल जाकर के फिर मैं रिपोर्ट लिखाने जाता हूँ, हॉस्पिटल में जाकर के वीडियो वगैरह चेक करता हूँ, तो उसमें भी 12:30 बजे के फोटोज में मेरा भाई जो था वो सेंट्रो कार लेकर के, तो इरफान भाई जाते हैं और मेरा भाई जो था वो पल्सर गाड़ी लेके जाता है, और जबकि मेरा जो भाई जो पल्सर गाड़ी लेके जाता है, तब मैं इरफान को बोलता हूँ अपनी मम्मी को लेके जाता हूँ, तो वो बोलता है हाँ मेरी मम्मी को लेके गया है, और फिर इरफान भी बोलते बोले नहीं नहीं वो तो मेरी बहन को लेके गया था। बस ये सारी चीज़ें मतलब झूठ पे झूठ मुझे मेरे मतलब सामने आई जा रही है, तो मतलब मुझे तो पूरा यकीन है। क्या चाहते हैं आप? सर, मैं मतलब पुलिस प्रशासन से मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई का बराबर मतलब छानबीन की जाए और मेरे भाई को न्याय मिले। किस पे सके आप? मुझे इरफान के ऊपर सके। क्यों सके आप? जी सर, उनके साथ ही काम करता था और उनके मतलब कपड़े भी, डेड बॉडी भी मुझे चेंज मिले, और जबकि वो पल्सर से गया, और फिर उनकी बातें जो वो बात करते हैं बार बार पॉइंट टू पॉइंट मतलब चेंज करते रहते, टॉपिक चेंज करते, तो उससे मुझे लग रहा है कि वो इरफान देखें। क्या आश्वासन दिया इसके साथ में? साहब ने बोला है, बोले अभी वो सर से बात हुई है और वहाँ पर थोड़ा बुलाया है, वहाँ पर भी पूरी कार्यवाही होगी, अभी जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीपक योगी, मैं अजय का बड़ा भाई हूँ, मेरा छोटा भाई। किस समस्या को लेकर अभी आप देवास एसपी कार्यालय पहुंचे, आपने साहब से चर्चा की, एक ज्ञापन भी सौंपा? मेरे साथ में कुछ समय पहले मीठा तालाब के अंदर मृतक
विजय योगी के परिवारजन ने मुझे बताया है कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो जांच की जा रही है मृतक अजय योगी की, जो कि एक जांच हो रही है, संदेहास्पद हो रही है, इन्हें उस जांच के ऊपर पूर्णतः विश्वास नहीं मिला है, क्योंकि जो गुमशुदगी हुई थी उनके भाई की, वो उसी समय से एक संदेहास्पद चीज़ें हो रही, क्योंकि ये लोग कहीं भी जा रहे थे उसके बारे में कार्रवाई करने के लिए, उसके पहले ही जो इनको शक है, जिस व्यक्ति के ऊपर शक है, वो उस मामले को दबाने का पूरा प्रयास कर रहा था। मैंने इस संबंध में माननीय SP साहब से मेरी मुलाकात हुई है, संपत उपाध्याय जी से, और पीड़ित को पूर्ण रूप से न्याय मिले, जिस ओर हमने एक आवेदन उनको दिया है, और उनसे मेरी मांग है कि निष्पक्ष कार्रवाई करें, क्योंकि किसी के दबाव में आकर के प्रशासन एक जो गरीब वर्ग का परिवार है, इनके बहुत निम्न स्तर का परिवार है, ये किसी को पैसे ना तो खिला सकते और ना ही किसी प्रकार की ये कर सकते, लेकिन इन्हें जो परिवार को जो संदेह है, वो लोग इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि इस पर निष्पक्ष रूप से जांच होकर आरोपी क्या आश्वासन मिला आपको? SP साहब ने इस मामले में गंभीरता दिखाई है, और चूँकि ये मामला पूरी तरह से संवेदनशील भी है, क्योंकि मीठा तालाब में से लाश मिली और एक सेंट्रो कार मिली, सेंट्रो कार कुछ दिन बाद मिली, लेकिन उस सेंट्रो कार के बाद में पूरी तरह से जो डेड बॉडी जो मिली है, वो पूरी तरह से डैमेज डेड बॉडी है। तो परिवार का कहना है कि जिस प्रकार से लाश मिली है, पानी में मिली है, तो वो पल्सर से गया था वो व्यक्ति, सेंट्रो कार मिली है, तो ये पूरी तरह से पटकथा जो रची हुई है, इस पटकथा को परिवार भी नहीं समझ पा रहा है और प्रशासन भी इसमें गंभीरता नहीं दिखा रहा, जिससे ना तो न्याय मिल पाएगा उचित, और ना ही इस प्रकार में कोई कार्रवाई होने की संभावना है। लेकिन SP साहब से जब मुलाकात हुई है, तो उन्होंने इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच करने के निर्देश जारी किए हैं, और संबंधित को अभी तत्काल में बयान दर्ज कराने के। आपका नाम? और सुनील वर्मा, शिवसेना जिलाध्यक्ष देवास।